हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी का भी व्हाट्सएप को आप अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हैं। यहाँ तक कि ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, मैसेज, सारे नोटिफिकेशन को आप अपने मोबाइल फोन पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके व्हाट्सएप को भी यूज कर सकते हैं आप अपने मोबाइल फोन से ही। चलिए, मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तो वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। एक कोड है जो इस कोड को डालना है उसके मोबाइल फोन में जिसका व्हाट्सएप को आप हैक करना चाहते हैं। इस कोड को डालने के बाद आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब यहां से वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैं आपको एक कोड के बारे में बताने वाला हूं जो कोड को यूज करना है। ये कोड है 6161। इस कोड को डालना है उसके मोबाइल में जिसका व्हाट्सएप का सारा नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देखना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद लास्ट में हैश को टाइप कर देना है। हैश को टाइप करने के बाद यहाँ पे कॉलिंग वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कॉलिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक मैसेज आएगा, कॉल फॉरवर्डिंग वेन नो रिप्लाई रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल। इस तरह का आपको एक मैसेज आएगा कोड को डालने के बाद, नंबर को डालने के बाद। सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। इस मोबाइल में कोड लगा दिया, अपना नंबर डाल दिया। अब इस मोबाइल में कुछ भी नहीं करना, आप चलते हैं अपने मोबाइल में। अब ये कोड डालने के बाद इस मोबाइल को जहाँ से उठाए वहीं रख देना। बट ध्यान से, इस कोड के बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए और ना ही उसे पता चलेगा कि किसी ने मेरे व्हाट्सएप को हैक किया है। इस कोड को डालने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपका व्हाट्सएप ओपन है तो उसे लॉग आउट कर देंगे और यहाँ पे उसका नंबर को डाल देना है। बट ध्यान रहे, इस नंबर से उसका व्हाट्सएप बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से नंबर को टाइप कर देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे। यानी आपके व्हाट्सएप में उसका नंबर होगा और उसके व्हाट्सएप में आपका नंबर। यहाँ करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना है वेट। यहाँ पे करना है आपको वेट, SMS का वेट नहीं करना है। कॉलमी का टाइमिंग खत्म होने के बाद करना है कॉल। जैसे ये टाइम कॉलमी का खत्म होगा यहाँ पे कर देंगे क्लिक। कॉलमी पे क्लिक करेंगे, अब जैसे ही कॉलमी पर क्लिक करेंगे उसके पास कॉल जाएगा। अगर उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो आपके पास नंबर आ जाएगा और उसमें रहेगा कोड। फिर वो कोड को यहाँ पर यूज करना है। अब जैसे ही कोड को इंटर करेंगे उसका व्हाट्सएप आपके मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा। फिर जो भी उसके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा सेम टाइम आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो तो आपको पता चलेगा ही। अगर आपको उसका बैकअप को भी जानना चाहते हैं, जब से उसका व्हाट्सएप ओपन हुआ है तब से लेकर अभी तक सारा बैकअप पता कर सकते हैं। किसने टेक्स्ट किया, वीडियो भेजा है, ऑडियो भेजा है, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। वो कैसे करना है ध्यान से देखिए वीडियो को, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, सेम व्हाट्सएप यानी आप अपने मोबाइल को, और उसके बाद जाना है सेटिंग में। 3 डॉट जो ऊपर में मिल रहा है वहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में चले जाना है। व्हाट्सएप के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट पे क्लिक कर देना। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सेकंड लास्ट है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे यानी एक्सपोर्ट रिपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, एक्सपोर्ट रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितना भी डाटा है आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। इसे कर लेना शेयर पर्सनल व्हाट्सएप में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माई अकाउंट इन्फो, इसके अंदर सारा डेटा रहेगा। जब से ये व्हाट्सएप बना है तब से लेकर अभी तक सारा डाटा हासिल कर सकते हैं। रुकिए जरा, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मान लिया जाए आपको इस कोड को ख़त्म करना है उसके मोबाइल से, तो उसके मोबाइल में जाना है और कोड को टाइप कर लेना है 6161। इसके बाद कर देंगे ओके। ओके करने के बाद व्हाट्सएप का जो भी आपको नोटिफिकेशन मिल रहा था अब नहीं मिलेगा और उसके मोबाइल पे व्हाट्सएप ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपके मोबाइल में व्हाट्सएप रहेगा, यानी एक नंबर से एक ही व्हाट्सएप चलेगा, दो नहीं, सिर्फ आपके मोबाइल पे रह जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।